أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم قال وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون यकीन का जुमा है कि मुसलसल अजमत सहाबा शान सहाबा मकाम सहाबा और खिदमात सहाबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है। उसी उन्वान का एक हिस्सा है जिसका उन्वान मैंने तजवीज किया है तहरीफ कुरान की शरीयत की। सबसे पहले इस बात को जेर नशीन कर दें सुन्नत पर जमात का इत्तेफाक है कुरान करीम हर तरह की तहरीफ से तब्दीली से तवैयों से तबद्दुल से पाक है। कुरान करीम तहरीफ से क्यों ना पाक हो कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। अल्लाह फरमाता है जिक्र को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने लिया है। जिक्र में सबसे पहले कुरान करीम आता है। कुरान करीम से पहले अल्लाह ताला ने जितनी किताबों को नाजिल किया है उनमें से कोई किताब ऐसी नहीं जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने बन गया। किताबों का पीरियड भी मुख्तसर था, उसके बाद उनका हुक्म मंसूख हो गया। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसका हुक्म क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत कर मानी है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है ला याती इल बादल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि। कुरान करीम एक ऐसी किताब है
जिसमें बातिल का दखल हो ही नहीं सकता। इसमें बातिल दाखिल हो ही नहीं सकता, न तवैयुल है न तवक्कुल है न मुमकिन है। आपको बताएं कि काफिरों ने नबी अलैहिस्सलाम के आगे एक नुक्ता ये भी रखा था, एक के कुरान गैर हाला और पत्थर हो, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, लड़ाई झगड़ा कब तक चलेगा, सब दो कामों में से एक काम कर रहे हैं। जो कुफार कह रहे हैं इससे मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आनंद गैर हाला, आप एक काम करें इस कुरान को वापस करें दूसरा ले लें। पहला मुताबिक एक है बिल्कुल आनंद गैर हाला, ये कुरान भारी है उसके लिए हुआ दूसरा अगर ऐसा नामुमकिन है और पर दिल हो इसको तब्दील कर दो, कुछ आयात को चेंज कर दे, कुछ आयात निकाल दे, आगे पीछे कर दे और पर दिल हो कुछ तब्दीली कर दो। अल्लाह ने क्या बोला, कुल मा यकूनी अन उबद्दलहु मिन तिल्काए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैह। एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रे के बराबर तब्दीली का हक अल्लाह ने मोहम्मद को नहीं दी, मुझे प्यार नहीं, मुझे हक नहीं, इन हद तक वो इतना आयु आई नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी में सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं इस कुरान की सेवा अमल करूं। अल्लाह ने एक और मकाम पर फरमाया कि अगर मेरा हमारी इस किताब में हमारी इस वही में अपनी तरफ से चंद अल्फाज लेकर आ जाए, नबूवत सबके नबूवत अपनी जगह अपनी तरफ से इजाफा करेगा, हम गर्दन से पकड़ के सलाम करते हैं। माना किसी की जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं है, इसको तो कुरान करीम में तारीफ की, किसी की जरूरत ही नहीं है। पहले सुन्नत और जमात का फिर इत्तेफाक मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को कुरान करीम के लिखने का जमा करने का तरतीब देने का जिस तरह हुक्म दिया सहाबा ने पैसे के कदम, कादेवी ने वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह, मुआविया जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, जितने भी कादिबीन वही थे वही की किताब करने वाले
लिखने वाले सहाबा कराम कितने भी थे, हमारा अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम ने जिस सहाबी को पुराने करीम के जो अल्फाज जिस जगह पर जिस तरह रखने का तदीम देने का हुक्म दिया सहाबा ने वैसे की। जर्रे के बराबर सहाबा में से किसी सहाबी ने पुराने करीम की किताबत में कोई खयानत नहीं की। अगला मौका बड़ा अहम है, बड़ा काबिले गौर है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जिब्रील तो पहले चलाया खयानत नहीं की, पैगंबर के सीने में कुरान महफूज हुआ, पैगंबर ने भी कोई खयानत नहीं की, लेकिन कादबीन ने सहाबा कराम ने लिखने में महफूज करने में तरतीब देने में बदतियामती की खयामती की, अगर उस बंदा यकीदा रखेगा हमारा मन के तो उसका तीर नाम से हो जाता। ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। जिन लोगों ने कुरान करीम की तारीख का अकीदा बनाया, कुरान को बदला किया, तब्दील किया गया, आयात निकाली की, जिनका यह अकीदा है, सबसे पहले इस फिक्र को आम करने से पहले उन्होंने सहाबा कराम का इनाम किया। लिखाई बदनाम होगी बाद में, पहले लिखाई करने वाले को बदनाम किया। क्या कहा, बड़ी मारूफ किताब है सलामत किताब रोजा, ये किताब मेरे पास नहीं है, उसका हवाला मैंने बहुत बड़ी किताब में देखा है, वो फिर है शायद ने पूछा इमाम बाकिर से, वो तीन को
जो मुर्तद ना हुए, जहां एक मिकदार, एक अबू ज़र ग़फ़ारी और एक सलमान फ़ारसी, बस ये तीन मुर्तद नहीं हुए थे, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए। एक मकसद के लिए आए थे, उसके बाद मुर्तद हो गए। आगे सुनिए, फसल किताब में है, ये मेरे पास है, उसमें है जिस वक्त नबी अली इस्लाम फौज हुए, सैयदना अली के बारे में लिखा है रज़ी अल्लाह अन्हु, वो नबी अली इस्लाम के गुस्ल में दफन में लगे रहे, और पीछे से अबू बकर और उमर खिलाफत की तरतीबें बनाते रहे। खिलाफत की तरतीबें बनाते रहे, कौन खलीफा बनेगा, तू ही हमें। जैसे सैयद नारी रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम को दफनाने के बाद सीधे अपने घर चले गए, मासूर हो गए, मासूर माना अपना दरवाजा बंद कर दिया, अली रजी अल्लाह दरवाजा बंद कर दिया, अंदर बैठकर कुरान करीम लिखने लग गए, पुराने करीम लिखने लग गए। जो पुराने करीम अली को पैगंबर ने पढ़ाया था, बताया था, जिस कुरान के लिखने का हुक्म दिया था, अली दरवाजे को बंद करके मासूर होकर वो कुरान लिखने लग गए। जब तक अली ने कुरान नहीं लिखा, बाहर नहीं है, कुरान लिख लिया, कुरान को लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह खलीफा बन चुके थे, रश लगा हुआ था, अली ने अबू बकर के सामने कुरान पेश किया, ये कुरान है जिसका मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था। वो कहते हैं कि अबू बकर ने उस कुरान को खोला, उस कुरान में अल्लाह ने मुहाजिरीन सहाबा को, अंसार सहाबा को खून सुनाई है, खून सुनाई है, मुहाजिरीन जो अपने आप को सहाबा कहते थे, अंसार जो अपने आप को सहाबा कहते थे, उस कुरान में अल्लाह ने खून उनको सुनाई, बुरा बड़ा कहा, खूब मजम्मत की, अल्लाह ने खूब लताड़ा, कौन हाजरी कौन जिनकी अजमत को कुरान बयान बस था पूर्ण हाजरी वल्लज़ी तकबरू पेशा रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिर्फ दो जमातों का जिक्र किया है, ये कामयाब जमाते हैं, ये कामरान जमाते हैं, ये जन्नती जमाते हैं, ये मकफूर जमाते हैं, दो जमातों का नाम है।
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ایک جماعت مہاجرین مہاجرین کے کون ہیں؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی وصیت جن کی شان کو جن کے مقام کو میرے پیغمبر منبر پہ بیٹھ کے بیان کرے لوگو آج تک جس نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے جو نیکی کی ہے میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں. میری پوری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکی کا جس کے احسانات کا بدلہ میں محبت نہیں دے سکتا. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. قیامت کے دن ہوگا اللہ سے درخواست کروں گا میں ابو بکر کی بھلائی کہاں کر نہیں کر سکتا. اے اللہ تو میرے ابو بکر کو خوش کر. یہ وہ لوگ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں جب چودھری کے چاند نکلا ہوا تھا اس رونق کو دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اس قدر لا تعداد ہو بے شمار ہو جس کا آسمان پہ حساب ہے جن کو گنا نہیں آتا جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کوئی ہے آپ کے پاس؟ نبی علیہ السلام نے کہا عمر میں جی عمر کر سکتا. عمر کی نیکیوں کو کوئی گن نہیں سکتا. تم کہتے تو وہ مدد ہو گیا تھا. میرے پیغمبر فرمان ہے عمر کی کوئی نیکیاں گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا. گور عمر جس کلتا زمین پر ہے اللہ اپنے پیغمبر کو جنت میں بلا کر بیداری کی عالم میں خواب کی عالم میں عمر بن خطاب کے مالا دکھا رہا یہ گھر محمد ہے. کیا جنت کے معاملات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو مرتب ہو جاتے ہیں جو منافق ہو جاتے ہیں دین سے پھر جاتے ہیں ان کے لیے جنت کے معاملات ہوتے ہیں؟ کہا عمر میں اور عائشہ میری امت میں عمر ہے جن کی ریکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. سید عائشہ چونک گئی ایک سوال کرتی این حسنات ابھی اگر آپ کی امت میں عمر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں؟ نبی علیہ السلام میں عائشہ ابو بکر کی نیکیاں کون تھی؟ ان نماز جبھی تو ہم سنا دے بڑا حسنت واحد من حسنات ابی بکر. عمر کی نیکیاں لا تعداد ستاروں کی طرح لیکن سن لے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جن کو گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا وہ ساری نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی اس رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات نبوت کو کندھے پر رکھ کر ابو بکر اڑ گیا. میں
रास्ते पर आज सीढ़ियां हैं, लेकिन आज भी उस कदम को तय करने के लिए सोचने पड़ जाता है। सोचता है बहुत पाऊंगा कि नहीं, मैंने नौजवानों को देखा नीचे बैठकर नजारा देखकर, मुझे एक ही मतलब जवानी में वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। उसके बाद वहां साथी जाते हैं, उनके साथ जाता हूं, नीचे बैठकर नजारे देखते रहता हूं, हाथ में खाने की चीजें पीने की चीजें, कब निकलते हैं कब वापस आते हैं, कई कई घंटों के बाद वहां पहुंचते हैं, दरमियान में रुक रुक कर सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, कुर्बान जाए। अबू बकर ने यह सफर तय किया कंधे पर नबूवत का वजन था, नबूवत के वजन को तो नहीं समझते हो, नबूवत का वजन कितना होता है अगर उसको समझना हो तो दिल को याद करो। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में दाखिल हुए थे और अली से बता जारी मेरे कंधे पर सवार हो जाओ, ये जो 360 को तैतु के रात है, सैयदना अली ने आज की रजी अल्लाह नहीं, इसको मैं भी ऐसे समझता हूं, उसका अर्थ समझता हूं, आप मेरे कंधे पर सवार होकर ये काम करें। नबी अलैहिस्सलाम ने अली जैसे दिलेर बहादुर जुरतमंद ताकतवर के कंधे पर एक उम्र का अली की चीज दी। अल्लाह के रसूल मेरे में हिम्मत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम अपना क्या मैं हुक्म दे रहा हूं, मेरा हुक्म है आप आ रहे हैं। सैयदना अली के तेरह मिलता हूं, जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पे चढ़ा खुद्दू को गिराने के लिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अब मैं इतना बुलंद हो चुका हूं, इतना बुलंद अगर चाहूं आसमान को गिरा सकता हूं। नबूवत के उस वजन को अबू बकर ने अपने कंधे पर रखा और वहां कुर्बान। कितनी अजीम नेकी, इसलिए तुम हम तस्वीर के इंतजार है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जितने सफर किए, नबी अलैहिस्सलाम के दो सफर मर्द से उल्टा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जितने सफर किए उनमें तारीखी सफर दो है, एक मेराज का सफर, एक हिजरत का सफर। एक मेराज का सफर वो भी तारीखी सफर था, एक हिजरत का सफर ये भी तारीखी था। मेराज के सफर के लिए अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के सरदार का इंतजाम किया, हिजरत के सफर के लिए अल्लाह ने इस उम्मत के सरदार का इंतजाम किया, वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह। ये अजीम लोग, ये अजीम हस्तियां कहां ये सब उत्पन्न हो गए थे? ऐसा सहाबा पर करोड़ों महीने लग रहा, तो मैं फसल किताब के हवाले से कह रहा था अली रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर के सामने कुरान लेकर आए,
ये वो कुरान है जिसके लिखने का पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया था, मैं लेकर आया हूं। कहते हैं अबूबकर ने बोला उसमें अल्लाह ने मुहाजरी को अंसार को दो सुनाई पूरा भरा कर उन आयात को देकर आगे लिखा है वासा मारो एक उमर चीखते हुए खड़ा हो गया और कहा या अली उस दुख हो इस कुरान को दफा कर ले जा ला हाजत लना फी हमें तेरे कुरान की कोई जरूरत नहीं ले जा फन सदक तो कहते हैं कि अली उस कुरान को लेकर वापस चला और जाते हुए मैं बन रहा है मां सलाम ना हो बाद तुम्हारा ठीक है ये वो कुरान था जो पैगंबर ने मुझे बताया पैगंबर के हुक्म पे लिखा अगर तुम नहीं मानते आज के बाद इस कुरान को तुम नहीं लिखो। कहते हैं अली वो कुरान ने नहीं चला और वो कुरान कहां किया अली जैसे बहादुर ने जरूरतमंद ने फिर कुरान को कहां किया वो कहां हो गया कहां बस अली ने वो कुरान बाद में इमाम को दे दिया इमाम ने गए उसको दे दिया और अब कुरान को लेकर बारवा इमाम ने गए उस कुरान को लेकर गार में चला और जमीन पर रहने वाले मोमिनीन को हुक्म देकर दिया कि तकिया करो और तकिए के जरिए इस पर जो लघु के बाद मुना देखिए के बाद लघु मिलना जो कुरान है उसको पढ़ो और पढ़ाओ और बाद में इमाम की बात करो जैसा आज कहते हैं जो असली कुरान था जैसा आज गैब है जब बारवा इमाम आएगा तो ये नकली कुरान गैब हो जाएगा। कुरान करीम के बारे में इस तरह का महबूस अलीस अकीदा रखना ये अकीदा किसी मुसलमान का नहीं हो वो किताब जितनी हिफाजत से निर्माता ने दिया जिस किताब को अल्लाह ने महफूज किया हुआ है और क्या मतलब महफूज रहे कुरबान में अल्लाह ने इस किताब पे किताबी शिकल में महफूज नहीं किया। लोगों मुसलमानों की आखिरी किताब ये किताब में और रात में महफूज नहीं है और रात को तो आग लग जाती है और रात को समंदर में गर्क हो जाते हैं फट जाते हैं। अल्लाह ने इस किताब को मुसलमानों के सीने में महफूज किया है ये है कमान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून मासूम बच्चा अजमी है अरबी है किसी और चीज को याद नहीं कर सकता मुश्किल है लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसके सीने में कुरान है। आज अगर जमीन पर कुरान करीम के जितने नुस्खे हैं उनको अगर से बंद कर दिए गए लेकिन भी कुरान फिर भी महफूज है सीनों से निकालना आसान काम है
زبر زیر شد مد کی غلطی کے بغیر جو قرآن مشرق میں ہے وہی مغرب میں, جو شمال میں ہے وہی جنوب میں ہے. اس کتاب میں جو شک کرے اس کو بدل دیا گیا, تحریف کر دی گئی. یہ عقیدہ عقیدہ کفر ہے. جو شخص بھی جو قوم بھی یہ عقیدہ رکھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ کرام کے تینوں میں بھی یہ قرآن میں دور تھا, اور زبانی پیش کر کتابت کرتے تھے. کتابت اور وہ بھی زبانی. آپ کو پتہ نہیں کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک شخص کوفہ سے آیا, امیر عمر نے کوفے کے حالات معلوم کیے, وہاں کیا ہو رہا ہے, حالات کیسے ہیں, ساری رپورٹ لیتے رہتے. اس شخص نے امیر عمر کو ایک بات بتائی کہ وہاں کوفے میں ایک بابا ہے, ایک بابا ہے, ایک بزرگ ہے, وہ بیٹھ کر زبانی قرآن کریم لکھتا رہتا ہے. زبانی قرآن کریم لکھتا رہتا ہے. سید عمر ایک چونکی لال سرخ ہو گئے. قرآن کریم کتابت اور وہ بھی زبانی, تھوڑی سی غلطی ہو گئی, غلطی دنیا میں پھیل گئی. قرآن کریم اس کی کتابت وہ بھی زبانی, کون ہے بابا, اس بابا کا کیا نام ہے جو زبانی پہ کے قرآن کریم لکھتا رہتا ہے, کون ہے, اس کے نام کا پتا ہے جی کیا, اس کے نام عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ. ایک عمر ٹھنڈا ہو ٹھنڈا ہو اور کہا بھائی اس بزرگ کو زبانی قرآن کریم دیکھنے کا حق آ سکتا. یہ صحابہ کرام ان کے ہاتھ سے نہیں چھک سکتے ہو, ان کی کتابت میں چھک سکتے ہو, ان کی تحریر میں چھک سکتے ہو, ان کی ایمان میں چھک سکتے ہو. کیا تحریر ہے قرآن یہ صحابہ کی فکر تھی؟ نہیں, وہ تعریف کرنے والا نہیں تھے, محفوظ کرنے والے. صحابہ کے بارے مبارک صحبت بناؤ اگر اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو. صحابہ کی ذات کے بارے, صحابہ کے کردار کے بارے, صحابہ کی فکر کے بارے, صحابہ کے عقیدے کے بارے, صحابہ کرام کے معاملات کے بارے اگر شک کرو گے اپنا ایمان برباد کر دو. اللہ صحابہ کے نقشے کے دم پر چلنے کی ہمت توفیق دے.